ब्राह्मण सभा मंडी द्वारा कटिंग व टेलरिंग करने वाले छात्राओं को प्रमाण पत्र बांटे गए। इस दौरान आईटीआई के प्रिंसिपल अशोक कपूर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रिंसिपल कपूर ने बताया कि जिन बच्चों ने कटिंग व टेलरिंग का कोर्स किया है उन छात्राओं को प्रमाण पत्र बांटे गए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण सभा मंडी बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए जो कार्य कर रही है वो सराहनीय है। उन्होंने बताया कि ब्राह्मण सभा मंडी द्वारा हर वर्ग के बच्चों को प्रशिक्षण तो दिया जाता रहा है जो कि सराहनीय कार्य है, साथ ही लड़कियों की शादी के लिए 5100 रुपए की मदद भी दी जाती है। तो ब्राह्मण सभा की तरफ से यहाँ जिन बच्चों ने ट्रेनिंग ली हुई थी कटिंग एंड स्विंग की, उनका सर्टिफिकेट्स वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन रखा गया। वैसे ये जो कार्यक्रम है ट्रेनिंग का, ये 3 बैचेस इनके निकल चुके हैं और 4th बैच जो है अभी उसमें भी 19-20 बच्चे एडमिट हो चुके हैं। वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण सभा द्वारा ये वाला जो कार्य है बच्चों को ट्रेनिंग देने का, प्रशिक्षण देने का, ये एक बहुत ही सराहनीय और एक उच्च स्तरीय सोच का एक उदाहरण है, जिससे मंडी जैसे स्थान पे एक एग्जाम्पल है कि जो ट्रेनिंग है बच्चों के लिए रोजगार से संबंधित, उसके लिए इतना बड़ा इनिशिएटिव इस सभा द्वारा लिया गया है। मैं इसके लिए बहुत ही धन्यवाद करता हूँ ब्राह्मण सभा का, और ये आशा करता हूँ कि समाज में ऐसे कार्य होने चाहिए जिससे कि आने वाली यंग जनरेशन के लिए अलग अलग तरह से कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाए। बड़ा खुशी का विषय है ब्राह्मण सभा जो बच्चों को सिलाई सिखा रही है, जो बेकार बच्चे हैं कम से कम उनको रोजगार मिलेगा, और इसमें मेरे ख्याल ब्राह्मण सभा ऑर्गेनाइज करती है, पर इसमें हर एक बच्चों को, हर एक कास्ट के बच्चों को, ऐसा है ना, हर एक कास्ट के बच्चे, सभी कास्ट के बच्चे भागीदारी हो सकते हैं। और साथ में मेरी तरफ से बच्चे जो यहाँ से निकलते हैं, अगर वो गरीब परिवार से है तो उनकी शादी के लिए मैं 5100 रुपये ब्राह्मण सभा के थ्रू वो मेरे से ले सकते हैं। जम्मा जी, मैं ब्राह्मण सभा से रिक्वेस्ट करूँगा जो जेन्युइन बच्चे होंगे उनके लिए, अगर शादी होती है उनकी तो 5100 रुपये मैंने ऐसे भी रखा होता है, तो ब्राह्मण सभा के थ्रू हमारे से लिए